हाय दोस्तों, मैं हूँ आर्किटेक्ट रहमान खान और इस वीडियो में मैं आपको एक नया किचन दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आइए दिखाते हैं। ये है मिक्सर। मिक्सर के लिए हमने बनाया है और यहाँ पे ये प्लग पॉइंट है, यहाँ पे लगा के यूज कर सकते हैं मिक्सर। और यहाँ पे नीचे देखने में तो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का डोर है और यहाँ से देखेंगे तो एक प्लेन बास्केट है। और ये नीचे थ्री प्लेट बास्केट है और ये थाली के लिए है। और ये बॉटल बास्केट है। फिर यहाँ पे एक कटलरी और ये कप सोसर है, इसमें कप वगैरह डाल सकते हैं, बहुत सारा सोसर। और ये फिर थाली के लिए, इसको हम पूरा निकाल सकते हैं ना, निकाल के क्लीनिंग के लिए ऐसा पूरा निकाल के ऐसा क्लीनिंग वगैरह पूरा साफ कर सकते हैं। प्रोफाइल हैंडल दिया है ये, ताकि एकदम प्लेन रहे। जो हैंडल लगाते हैं तो इतना एक्स्ट्रा ले लेता है, तो प्रोफाइल हैंडल से ये होता है कि पूरा फ्लस रहता है, लगने का चांस नहीं है। आप अच्छा यूज कर सकते हैं, प्लेन रहता है पूरा। और यहाँ पे हमने दिया है मल्टीपर्पज के लिए, यहाँ पे एक चक दिया है और कुछ बॉटल वगैरह इधर रख सकते हैं छोटी सी। अच्छा, सब क्लोजिंग दिया है, देखिए ये सॉफ्ट वाली जैसे है, इस वजह से ये तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे अपना वॉश बेसिन है, इधर सिंक है और ये स्टैंड है। यहाँ पे डिटर्जेंट वगैरह क्लीनिंग के लिए यहाँ पे इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्रॉकरी वाली है, इधर सेल्फ दिया हमने और इधर हाइड्रोलिक। ये चारों हाइड्रोलिक दिया हमने और ये हाइड्रोलिक 10 किलो का है, ये 10 किलो का है, चलो ये हाइड्रोलिक है। इसको थोड़ा सा जैसे पुल किए तो ऑटोमेटिक खींचता हूँ। ये 10 किलो का है, यहाँ पे लिखा हुआ 10 किलो, ये 10 10 किलो का पंप है। ये पूरा एकदम आराम से फेर रहता है। और फिर यहाँ पे वो भी हाइड्रोलिक है और ये भी, चारों में हाइड्रोलिक ही लगा। तो ट्रॉली ने बनाया हमने, ये ट्रॉली है। इधर ऊपर एक सिंगल डोर अंदर सेफ दिया है और फिर ये इसमें हमने थोड़ा इधर ओवन के लिए, जो गरम गरम करके खाना ओवन के लिए यहाँ पर रखेंगे। इधर प्लग पॉइंट लगाएंगे अच्छे से यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक सिंगल डोर वापस दिया है, इधर सेल्फ है। और इधर आएंगे तो ये हमने दिया है, ये प्लेटफॉर्म बनाया है थोड़ा, और इधर कटिंग वटिंग करने के लिए यहाँ पे, और इधर अंदर ड्रॉअर भी रखा है, कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर चेयर लगा के बैठ सकते हैं, सब्जी वगैरह सब्जी वगैरह इधर कटिंग कर सकते हैं आराम से बैठ के, यहाँ पे चेयर लगा के यहाँ पे बैठ के कटिंग कर सकते हैं आराम से सब्जी वगैरह। और इधर देखेंगे तो ये लॉक है, यहाँ से वहाँ तक पूरा लॉक है। और ये हाइड्रोलिक ये भी लगाया है, ये भी इसमें 20 किलो का पंप लगाया है और ये भी हाइड्रोलिक है। और फिर ये भी,
हाइड्रोलिक इसके लिए लगाते हैं हम, क्योंकि इसको अगर पीक नहीं डोर ओपन किए तो पूरा पूरा यहाँ से पूरा ओपन मतलब पूरा यूज कर सकते हैं। अगर डोर वन बाय वन डोर खोलते तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हाइड्रोलिक लगाता हूँ मैं, ताकि इजी मतलब इजीबल थोड़ा रहे यूज करने में, इसके लिए हम हाइड्रोलिक लगाते हैं। और इधर इन्वर्टर के लिए भी बनाया हमने। इधर इन्वर्टर